मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार आप सबके बीच मन की बात, जन की बात, जन जन की बात, जन मन की बात, इसका हम सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं। चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी, लेकिन मन की बात का जो मजा है वो गायब था। एक कमी महसूस कर रहा था। अपनों के बीच बैठ के हल्के फुल्के माहौल में 130 करोड़ देशवासियों के परिवार के एक स्वजन के रूप में कई बातें सुनते थे, दोहराते थे, और कभी कभी अपनी ही बातें अपनों के लिए प्रेरणा बन जाती थी। अब कल्पना कर सकते हैं कि बीच का कालखंड गया होगा, कैसा गया होगा। रविवार, आखिरी रविवार 11 बजे मुझे भी लगता था कि अरे कुछ छूट गया। आपको भी लगता था ना? जरूर लगता होगा। शायद ये कोई निर्जीव कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम में एक जीवंतता थी, अपनापन था, मन का लगाव था, दिलों का जुड़ाव था। और इसके कारण बीच का जो समय गया वो समय बहुत कठिन लगा मुझे। मैं हर पल कुछ मिस कर रहा था। और जब मैं मन की बात करता हूँ तब बोलता भले मैं हूँ, शब्द शायद मेरे हैं, आवाज मेरी है, लेकिन कथा आपकी है, पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है। मैं तो सिर्फ मेरे शब्द, मेरी वाणी का उपयोग करता था। और इसके कारण मैं इस कार्यक्रम को नहीं, आपको मिस कर रहा था। एक खालीपन महसूस कर रहा था। एक बार तो मन कर गया था कि चुनाव समाप्त होते ही तुरंत ही आपके बीच चला आऊं, लेकिन फिर लगा नहीं वो संडे वाला क्रम बना रहना चाहिए। लेकिन इस संडे ने बहुत इंतजार करवाया। खैर, आखिर मौका मिल ही गया है। एक पारिवारिक माहौल में मन की बात, छोटी छोटी हल्की फुल्की, समाज जीवन में जो बदलाव का कारण बनती है, एक प्रकार से उसका ये सिलसिला एक नए स्पिरिट को जन्म देता हुआ और एक प्रकार से न्यू इंडिया के स्पिरिट को सामर्थ्य देता हुआ ये सिलसिला आगे बढ़े। कई सारे संदेश पिछले कुछ महीनों में आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनापन महसूस करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मेरी स्व से समष्टि की यात्रा है, ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है। मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन संवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की अनुभूति का भी अंश था। कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपाधापी में मैं केदारनाथ क्यों चला गया, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपका हक है, आपकी जिज्ञासा भी मैं समझ सकता हूँ, और मुझे भी लगता है कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुँचाऊँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिशा में चल पड़ूंगा तो शायद मन की बात का रूप ही बदल जाएगा। और इसलिए चुनाव की उस आपाधापी, जय पराजय के अनुमान, अभी पोलिंग भी बाकी था और मैं चल पड़ा। ज़्यादातर लोगों ने उसमें से राजनीतिक अर्थ निकाले। मेरे लिए मुझसे मिलने का वो अवसर था। एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था। मैं और बातें तो आज नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि मन की बात के इस अल्प विराम के कारण जो खालीपन था केदार की घाटी में, उस एकांत गुफा में, शायद उसने कुछ भरने का अवसर जरूर दिया था। बाकी आपकी जिज्ञासा है, सोचता हूँ कभी उसकी भी चर्चा करूँगा। कब करूँगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन करूँगा जरूर, क्योंकि आपका मुझ पर हक बनता है। जैसे केदार के विषय में लोगों ने जानने की इच्छा व्यक्त की है, वैसे एक सकारात्मक चीजों को बल देने का आपका प्रयास आपकी बातों में लगातार मैं महसूस करता हूँ। मन की बात के लिए जो चिट्ठियाँ आती है, जो इनपुट प्राप्त होते हैं, वो रूटीन सरकारी कामकाज से बिल्कुल अलग होते हैं। एक प्रकार से आपकी चिट्ठी भी मेरे लिए कभी प्रेरणा का कारण बन जाती है तो कभी ऊर्जा का कारण बन जाती है। कभी कभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देते हैं। लोग देश और समाज के सामने खड़ी चुनौतियों को सामने रखते हैं तो उसके साथ साथ समाधान भी बताते हैं। मैंने देखा है कि चिट्ठियों में लोग समस्याओं का तो वर्णन करते ही है, लेकिन ये भी विशेषता है कि साथ साथ समाधान का भी कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ कल्पना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रकट कर देते हैं। अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रति उसकी नाराजगी तो जताता है, लेकिन
स्वच्छता के प्रयासों की सराहना भी करता है। कोई पर्यावरण की चर्चा करता है तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है, लेकिन साथ साथ उसने खुद ने जो प्रयोग किए हैं वो भी बताता है, जो प्रयोग उसने देखे हैं वो भी बताता है, और जो कल्पनाएं उसके मन में है वो भी चित्रित करता है। यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो, इसकी झलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूं। मन की बात देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है। यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अवसर प्रदान करने की, उसको क्रियान्वित करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड़ देशवासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मन की बात में मुझे इतनी चिट्ठियां आती हैं, इतने टेलीफोन कॉल आते हैं, इतने संदेश मिलते हैं, लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है। और किसी ने कुछ मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात गत 5 वर्ष में मेरे ध्यान में नहीं आई है। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखे लेकिन खुद के लिए कुछ मांगे नहीं, ये देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं कितनी ऊंची होगी। मैं जब इन चीजों को एनालिसिस करता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे दिल को कितना आनंद आता होगा, मुझे कितनी ऊर्जा मिलती होगी। आपको कल्पना नहीं है कि आप मुझे चलाते हैं, आप मुझे दौड़ाते हैं, आप मुझे पल पल प्राणवान बनाते रहते हैं, और यही नाता मैं कुछ मिस करता था। आज मेरा मन खुशियों से भरा हुआ है। जब मैंने आखिर में कहा था कि हम 3-4 महीने के बाद मिलेंगे, तो लोगों ने उसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले थे, और लोगों ने कहा अरे मोदी जी का कितना कॉन्फिडेंस है, उनको भरोसा है। कॉन्फिडेंस मोदी का नहीं था, ये विश्वास आपके विश्वास के फाउंडेशन का था। आप ही थे जिसने विश्वास का रूप लिया था, और इसी के कारण सहज रूप से आखिरी मन की बात में मैंने कह दिया था कि मैं कुछ महीनों के बाद फिर से आपके पास आऊंगा। एक्चुअली मैं आया नहीं हूं, आपने मुझे लाया है, आपने ही मुझे बिठाया है, और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया है।